नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 89 मॉडल स्कूलों में नियुक्त होंगे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक। झारखंड में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खोले गए 89 मॉडल स्कूलों में पहली बार अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बता दें, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली को अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। इन स्कूलों में कुल 979 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बता दें, इन मॉडल स्कूलों के लिए विषयवार स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जो अंग्रेजी में दक्ष हो। झारखंड मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राजधानी रांची, चतरा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा एवं कोडरमा में आज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार हल्के से मध्य दर्ज की बारिश होगी। बता दें, इस दौरान मेघ गरज होगा और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में घरों से बाहर निकलने वक्त सावधान रहे और सुरक्षित स्थान पर ही रहे। बता दें, झारखंड में पिछले दो दिनों से मानसून कमजोर है, वहीं 27 अगस्त तक मौसम में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। काबुल में फंसे बोकारो के बबलू की सकुशल वापसी, बोला दूसरा जन्म हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे बोकारो के बबलू की सकुशल वापसी हो गई है। बता दें, रविवार की शाम झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बबलू पहुंचे। वतन वापसी पर बबलू भावुक हो गए और कहा कि दूसरा जन्म हुआ है। बता दें, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहले धरती माँ को चूमते हुए पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। नियोजन नियमावली पर भाजपा करेगी आंदोलन। झारखंड सरकार की ओर से जारी नियोजन नियमावली पर भारतीय जनता पार्टी में गहन मंथन चल रहा है। बता दें, पार्टी इस पर आंदोलन की रणनीति बना रही है। भाजपा विधायक राज सिन्हा की माने तो इस मुद्दे पर 2 सितंबर को रांची में बैठक होने वाली है। भाजपा की आपत्ति है कि सरकार ने इस नियोजन नीति के जरिए झारखंड के स्थानीय समाज को बांटने का काम किया है। धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक समाज से जो द्वेष सरकार रखती है वह इसमें परिलक्षित हो रही है। यदि ऐसा नहीं रहता तो सरकार हिंदी व संस्कृत को स्थानीय भाषा से बाहर रखकर उर्दू को शामिल नहीं करती। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन। सावन माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर रविवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बता दें, बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और मंगल कामना की। बता दें, इस मौके पर भाइयों ने भी बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया और उन्हें तोहफे दिए। राज्यपाल ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते व अटूट बंधन का यह पावन पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास लाए। सभी भाइयों और बहनों के जीवन में सदा स्नेह बना रहे तथा वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। झारखंड में फाइलेरिया रोग के खात्मे के लिए 12 जिलों में व्यापक अभियान। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सोमवार से राज्य के 12 प्रभावित जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। बता दें, 27 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत 11 जिलों रांची, गिरिडीह, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम में 2 दवा DEC और एल्बेंडाजोल तथा सिमडेगा में 3 दवा DEC, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्सिन दवा मुफ्त खिलाई जाएगी। बता दें, कार्यक्रम में लाभुकों को फाइलेरिया रोधी दवा स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा बूथ एवं घर घर जाकर अपने सामने खिलाई जाएगी। गुमला पुलिस ने PLFI जोहान को किया अरेस्ट। झारखंड की गुमला पुलिस को PLFI के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बता दें, कामडारा थाना के टुरुंडू डाहू टोली मोड़ के समीप से पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर रनिया थाना के तुरीडगढ़ निवासी जोहान टोपनो 23 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल, गोली व मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। जबकि PLFI के 2 एरिया कमांडर कामडारा थाना के सरिता गांव निवासी अतीश राम व अर्जुन राम पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हैं। झारखंड में डॉक्टरों की नियुक्ति में न लिखित परीक्षा नहीं साक्षात्कार। विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार का मानना है कि कोरोना से निपटने तथा आम लोगों को सहज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए न केवल स्वास्थ्य संरचनाएं बेहतर करनी होगी बल्कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों से लैस करना होगा। बता दें, वर्तमान में दोनों की भारी कमी है। उनके अनुसार रिक्त पदों को भरना विभाग की प्राथमिकता है।
अधिक से अधिक डॉक्टर नियुक्त हो सके तथा नियुक्ति के बाद सरकारी सेवा में टिक सके, इसके लिए आमूल चूल बदलाव की तैयारी चल रही है। डॉक्टरों की नियुक्ति में लिखित परीक्षा पहले से नहीं होती थी, अब साक्षात्कार भी नहीं होगा। हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा रेड क्रॉस का ब्लड बैंक। राजधानी के मोराबादी स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक का लाइसेंस पिछले 10 सालों से अधिक समय से रिन्यूअल नहीं किया गया है। इसके बाद भी यह लगातार संचालित हो रहा था। वहीं 14 अप्रैल को निदेशक औषधि ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। बता दें, ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने जाँच के बाद फिलहाल 15 दिनों के लिए ब्लड बैंक को सस्पेंड कर दिया है। अगर सोसाइटी की ओर से आहर्ता से जुड़े 11 बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ब्लड बैंक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। टाटा स्टील में पहली बार 270 करोड़ का बोनस। जमशेदपुर टाटा स्टील में बोनस समझौता के तहत 270.28 करोड़ रुपए 23,000 कर्मचारियों के बीच बांटे जाएंगे। बता दें, टाटा स्टील के इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा राशि बोनस के तौर पर दी गई है। साथ ही अगस्त में पहली बार बोनस हुआ है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को न्यूनतम 34,290 रुपये और अधिकतम 3,59,029 रुपये मिलेंगे। बोनस की राशि कर्मचारियों के खाते में सोमवार तक चली जाएगी। 5 साल की नौकरी के बाद शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा जिला। राज्य के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा। नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी में प्रारंभिक स्तर पर इस पर सहमति बन गई है। बता दें, कमेटी इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंप देगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में शिक्षकों को 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद पूरे सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिल सकता है। इसके तहत शिक्षक अपने गृह जिला का भी चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वर्ष की वैधता नहीं होगी। RPF का अभियान, महिला कोच में बैठने वाले पुरुष यात्री पर होगी कार्रवाई। अगर आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं तो सावधान रहे, आपकी एक गलती आपको संकट में डाल सकती है। बता दें, राखी के अवसर पर RPF द्वारा रविवार को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अगर कुछ पुरुष पैसेंजर महिला कोच में यात्रा करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। बता दें, रांची से लोहरदगा के लिए 4 ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। झारखंड सरकार का आदेश, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की होगी कोरोना जाँच। कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है। बता दें, दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर और सघन जांच की जाएगी। दूसरे राज्य से आने वाले सभी ट्रेनों की यात्रियों की जांच भी की जाएगी। फिलहाल स्टेशन पर प्रतिनियुक्त जांच टीम बेंगलोर, पुणे, केरल, दिल्ली और मुंबई से आने वाले यात्रियों की जाँच कर रही है, लेकिन उन्हें सभी ट्रेनों के यात्रियों को जाँच का निर्देश दिया गया है। स्टेशन पर जाँच टीम की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी राज्यवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने परमेश्वर से सभी के स्वस्थ, सकुशल और सुखी रहने की कामना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंधवाई राखी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने आवास पर राखी बंधवाई। बता दें, CM की बहनों ने उन्हें राखी बांधी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दुमका जिला स्थित शिकारीपाड़ा प्रखंड के ग्राम सीतासाल निवासी मति सोरेन ने भी राखी बांधी। बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि CM आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड से मति सोरेन ने भी राखी बांधी है। मुख्यमंत्री ने बहन मति सोरेन को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन पर्व पर बहन मति हेमंत सोरेन को रक्षा सूत्र बांधती आई है। टीकाकरण नहीं कराने वाले शिक्षकों के लिए लगवाए स्पेशल कैंप। रांची उपायुक्त, रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वैसे शिक्षकों को चिन्हित करें जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं लिया है, इनके लिए स्पेशल कैंप लगवाया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टीकाकरण को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूलों व शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। पलामू, रामगढ़, कोडरमा व जमशेदपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज PPP मोड पर होंगे संचालित। झारखंड में बनकर तैयार चारों इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी PPP मोड पर निजी इंजीनियरिंग संस्थानों या बड़े उद्योगों को दी जाएगी। बता दें, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन के लिए 5 सितम्बर तक इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। बता दें, NIRF रैंकिंग में
टॉप 100 में शामिल इंजीनियरिंग संस्थानों तथा बड़े उद्योगों में से चयनित संस्थानों या उद्योगों को इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन की धनबाद जज मामला। धनबाद जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जी तोड़ कोशिश कर रही है। बता दें, दिल्ली वापस लौट चुकी सीबीआई क्राइम ब्रांच की टीम शनिवार को फिर धनबाद लौटी और SNMMCH के 3 चिकित्सकों से पूछताछ की। पूछताछ की कार्रवाई शनिवार को करीब 8 घंटे चली। बता दें, 8 घंटों तक चली पूछताछ के दौरान तीनों चिकित्सकों से अलग अलग पूछताछ की गई। इसमें घटना के बाद जज उत्तम आनंद का इलाज कराने वाले चिकित्सक से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले तक शामिल रहे। धन्यवाद।